आफ्टर राइटिंग द समरी एज आई वॉज डिस्कसिंग कि आप लोगों को सारे जो वो एज एच रिसर्च वर्क है, अब आपने एक कॉम्प्रिहेंशन लेनी है. वट इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप. आपने क्या करना है कि जो इसमें आपने चीज़ों को फॉलो करना है, रीड एन आर्टिकल स्टोरी फ्रॉम अ यूथ मैगजीन और चिल्ड्रंस कॉर्नर फ्रॉम द न्यूज़ पेपर. ओके, यू कैन पिक वन स्टोरी फ्रॉम द मैगजीन्स फ्रॉम द न्यूज़ पेपर आर यू कैन इट पिक फ्रॉम द यू कैन से इंटरनेट से. आप कोई भी वहाँ पे भी, क्योंकि न्यूज़पेपर के सारे वो डिफरेंट बने होते हैं, तो आप वहाँ से भी कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि आपके घर न्यूज़पेपर नहीं आ रहा तो आप मैगजीन्स नहीं पढ़ सकते और वो स्टोरी नहीं ले सकते. आप कोई भी स्टोरी नेट से उठा सकते हैं, या वहाँ पे आप न्यूज़पेपर के बारे में लिखें तो भी आपको वहाँ पे सारी कॉम्प्रिहेंशंस या कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे न्यूज़पेपर में आपको कोई टाइटल के साथ कॉम्प्रिहेंशन नहीं दी गई होगी. इट्स मीन कि एक पैराग्राफ आप वहाँ से आपने लेना है, कोई भी जो न्यूज़ होती है. नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द आर्टिकल स्टोरी इज़ अबाउट. वो जो आर्टिकल्स है, जो होता है एक उसका सेशन होता है, सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में, उसमें से आपने एक स्टोरी लिखनी है. उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, पहले आपने पढ़ लेना है. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, वॉज देयर अ फेवरेट कैरेक्टर. जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें आपको जो वो लगे कि वो आपका फेवरेट कैरेक्टर था, आपको वो जब वो पढ़ रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था, आप इन्जॉय कर रहे थे, डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू. कोई ऐसी चीज़ है कि जब वो स्टोरी को, उस आर्टिकल को आप पढ़ रहे थे और आपको वो चीज़ बिल्कुल न्यू लगी है, आपने वहाँ से वो चीज़ पिक की है. वॉज देयर अ लेसन टू बी लर्न्ड. कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आपको लेसन दिया. मीन्स कुछ स्टोरीज़ होती हैं ना, बट मोस्टली स्टोरीज ऐसी होती हैं जो लेसन बेस होती हैं, कि आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाने के लिए होती है. तो वेदर यू हैव लर्न समथिंग और नॉट, यू हैव जस्ट मैंशन. वुड यू रिकमेंड द स्टोरीज और आर्टिकल टू यू एनी वन, मीन्स टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर कजन्स, टीचर्स. किसी को भी आप रिकमेंड करना चाहते हैं, मीन्स सजेस्ट करना चाहते हैं कि दिस इज़ अ मीन्स मार्वलस स्टोरी एंड इट्स हैविंग अ वेरी नाइस थीम, और यू कैन से कोई अच्छा वहाँ पे आइडिया दिया गया है, कोई लेसन दिया गया है. आप उसको कहना चाह रहे हो कि सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट था वो आपने समरी लिखनी थी, और सेकंड आपका क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने लिखनी है.